एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है जी फ्राइडे का दिन। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत जुम्मा मुबारक हो। एंड जी यहाँ पे अब मैंने शॉवर ले लिया था और ऑलमोस्ट 9 बजे का टाइम है। एंड उसके बाद बस मैं अपने डेली रूटीन के काम स्टार्ट करने लगी हूँ। अभी सोचा मैं, अच्छा ना, मेरे पाँव के नीचे ना, जो पाँव के तलवे वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी, पता नहीं क्या वजह थी ना, 2 या 3 डेज से मुझे बहुत ज़्यादा काफ़ी पेन हो रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि एक करीम मुझे याद पड़ती है, मुझे मेरी सिस्टर ने दी थी, तो वो मैं माइंड में सोच रही थी, सर्च कर रही थी कि मैंने कहाँ पर रखी, मैं भूल गई हूँ, बट थैंक गॉड कि मुझे मिल गई थी। एंड उसके बाद अब मैं अपने पाँव के जो नीचे तलवे में वहाँ पे लगा दूँगी। इससे काफ़ी मैं रिलैक्स फील करती हूँ यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पेन हो रही थी। मैं भी शायद खड़ा रहने की वजह से या क्या, तो इस पाँव को जब मैं लगाती हूँ तो काफ़ी मैं ईजी फील करती हूँ। मेरे पाँव बहुत ज़्यादा ना ऐसे सॉफ्ट से हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा ना नरम नरम रहते हैं मेरे पाँव, तो सो डेट्स वाई मैं ये लगाती हूँ। तो सो यहाँ पे मैंने लगा दिया था पाँव भी। एंड उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि आज मुझे कुछ भी ना ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा मैंने रात में भी इतना ज़्यादा, मतलब मैं रात में डिनर के टाइम ज़्यादा डिनर में मतलब कुछ भी नहीं खाती, थोड़ा बहुत खा लेती हूँ। राइस हो, राइस तो मैं वैसे अवॉइड करती हूँ, वैसे राइस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बट मैं राइस ज़्यादा खाती नहीं हूँ, राइस में टोटली अवॉइड करती हूँ। एंड मैंने रोटी खाई थी ओनली 2 या 3 बाइट्स, तो वो काफ़ी मुझे ज़्यादा ना अभी ना भूख लग रही थी। तो वैसे तो मेरा ब्रेकफास्ट होता है ब्रेन ब्रेड के साथ, लेकिन अभी मैं सोच रही थी ना कि आज मेरा दिल हो रहा था कि मैं ना आज ना अपने लिए पराठा बना लूँ, क्योंकि मेरा काफ़ी ज़्यादा मन कर रहा था। होता है ना, समटाइम ऐसा होता है कि मतलब दिल करता रहता है, काफ़ी टाइम के बाद ना आज मेरा दिल कर रहा था। सो पहले मैंने सोचा कि पहले मैंने ब्रेन ब्रेड लाई यहाँ पर। एंड मैं सोच रही थी कि अभी मैं यही अभी देख लें आपके, फिर मेरा माइंड, मैंने कहा नहीं पराठा नहीं खाती, क्योंकि मेरा ना मेरी बॉडी ऐसी है, मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा ना वेट गेनिंग है, तो मैंने कहा कि पराठा नहीं खाती। पर क्या फ़ायदा, पराठा खा लिया उसके बाद फिर मुझे रिग्रेट रहेगा सारा दिन कि मैंने पराठा खा लिया। लेकिन फिर मेरा माइंड नहीं हो रहा था, बन पा रहा था, फिर मुझे दिल कर रहा था बहुत से, तो मैंने कहा नहीं आज मैंने खाना ही खाना है। अभी मेरे इसी मतलब अभी मैं इसी यही चीज़ मेरे माइंड में थी कि मैं क्या करूँ, ब्राउन ब्रेड खाऊँ या फिर पराठा खाऊँ, यही चीज़ें सोच रही थी। सो फाइनली मैंने ये सोचा कि नहीं यार, अपने दिल की भी कभी कभार सुन लेनी चाहिए, हर टाइम नहीं, कभी कभार ज़रूर सुन लेनी चाहिए। हर टाइम सुनो तो सम टाइम नुकसान भी हो जाते हैं। तो सो यहाँ पे अब मैंने तवा निकाल, बल्कि तवा मैंने डाल दिया था, और फिर उसके बाद मैंने सोचा, ऑब्वियसली मैंने पराठा बनाना था, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं भाई, मैंने पराठा ही खाना है, तो बस अब मैं यहाँ पर अपने लिए पराठा बनाऊँगी। अच्छा, आज मूसा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और काफ़ी मेरा माइंड भी काफ़ी ज़्यादा ना डिस्टर्ब हो रहा था। अच्छा, ये होता है ना कि समटाइम मतलब बहुत से लोग होते हैं जिनको ना डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में भूख नहीं लगती, लेकिन मेरे साथ उल्टा ही हिसाब है। मुझे ना जब मतलब स्ट्रेस होता है या मैं कुछ किसी भी चीज़ की टेंशन ले रही हूँ ना, मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लगती है, तो मेरा दिल करता है कि मैं खाऊँ, ज़्यादा खाऊँ ना, मतलब। और मैं हैरान होती रहती हूँ कि यार मतलब मुझे स्ट्रेस है, मैं डिप्रेस हूँ, फिर भी मैं खाई जा रही हूँ, मैं फिर ज़्यादा खाती हूँ, तो ये मेरा जी उल्टा ही हिसाब है। तो मूसा की तबीयत काफ़ी ख़राब थी, सुबह उनके गले में पेन था, और ना मतलब उनको मॉर्निंग में ऐसा है ना, अच्छा मेरी आदत कि मैं दोनों बच्चों को शॉवर दिलवा के स्कूल भेजती हूँ, लेकिन फिर ये था कि मूसा को आज मैंने शॉवर दिलवा दिया, मुझे काफ़ी ज़्यादा गर्म लग रहे थे। ऐसा भी होता है ना कि एकदम बिस्तर से उठा के अगर ठंडे पानी के नीचे ले जाओ तो फिर उससे भी बच्चा बीमार हो जाते हैं। तो मेरी मामा ने मुझे बताया है कि इस तरह तुम करती हो, तो इसी वजह से ना उसको टेम्परेचर हो गया है। लेकिन फिर मैं सोच रही थी कि मैं इसको स्कूल ना भेजूं, लेकिन फिर ये होता है कि जब मैं स्कूल नहीं भेजती तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा अजीब फील होता है कि नहीं, बच्चों का एक दिन मिस हो गया स्कूल का, इसलिए फिर मैंने मूसा को स्कूल भेज दिया था। लेकिन बट मेरे माइंड में ना, मैं काम सारे कर रही थी, लेकिन मेरे माइंड में मूसा ही थे। तो ये है कि अभी मैं सोच रही थी कि अभी मैं ड्राइवर को कॉल कर लेती हूँ, वैन को, कि वैन वाले को, कि आप ना मूसा को जल्दी लेके आए स्कूल से। तो जी बस यहाँ पे सो फाइनली मैं इसी नतीजे पर पूछी हूँ कि नहीं यार, दिल की सुननी चाहिए, आज मैं अपने दिल की सुनती हूँ, और यही सोच के जी मैं यहाँ पे पराठा बना रही हूँ।
और ये भी होता है कि जितना भी आपको डिप्रेशन हो, जो भी हो, अगर आप पॉजिटिव रहोगे, पॉजिटिव सोचोगे, चाहे कोई जितना भी आपके साथ गलत कर रहा हो, कोई जितना भी आपके साथ बुरा कर रहा हो, आपके बैकबाइटिंग कर रहा हो, ठीक है, तो आप अपनी सोच को पॉजिटिव रखिए, अपने माइंड को ऑल द टाइम पॉजिटिव रखिए। आई नो कि काफ़ी मुश्किल होते हैं ना हमेशा खुद को पॉजिटिव रखना, समटाइम हो जाता है, इंसान की बस हो जाती है और माइंड में नेगेटिव थाट्स आती हैं, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज़्यादा ट्राई करती हूँ कि जो लोग मेरे साथ गलत भी करते हैं, बुरा भी करते हैं, मतलब मैं फिर भी यही दुआ करती हूँ, अल्लाह पाक से एक ही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक उनको मेरी ज़िंदगी से बहुत दूर कर दें, वो अपनी लाइफ में खुश रहें, मैं अपनी लाइफ में खुश रहूँ, ठीक है। तो ऐसा होता है कि जब आप नहीं बोलते हो, आपके साथ कोई गलत कर रहा होता है, आपकी कोई बैकबाइटिंग कर रहा होता है, आपके पीछे, मतलब आपके पीछे कहते हैं ना, आपके पीछे आपकी, आपके लिए ना मुश्किल खड़ी कर रहा होता है, बैक पे होके पीठ पे छुरा घोंपने वाली मसाल है बात है, तो वो कोई कर रहा होता है, तो इस सिचुएशन में अल्लाह पाक तो सब देख रहे होते हैं, ठीक है। तो फिर जब अगला बंदा सब्र कर लेता है और अगला बंदा कहता है कि अल्लाह पाक मैंने सब्र कर लिया, मैंने सब कुछ अपना सारा मामला मैंने आप पे अल्लाह पाक छोड़ दिया, तो फिर अल्लाह पाक खुद ब खुद ही उस बंदे के लिए आसानी कर देते हैं और उसकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम, जो बंदा उसके पीछे उसके पीठ में छुरा घोंप रहा होता है, उसको खुद अपने किसी ना किसी प्रॉब्लम में ऐसे उलझा देते हैं कि उसको फिर किसी की होश ही नहीं रहती है। तो कहने का मकसद ये है कि बस खुद को हमेशा पॉजिटिव रखें, अपने थॉट को पॉजिटिव रखें, ठीक है। मैं ऐसा ही करती हूँ, मैं ज़्यादातर खुद को क्यों उलझाए रखती हूँ घर के कामों में, मैं ऐसा ही करती हूँ, इससे मेरा माइंड फ्रेश होता है, मेरा मतलब मैं बिज़ी खुद को मैं उलझाए रखती हूँ। फिर मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की, व्लॉगिंग स्टार्ट करने का मकसद भी यही था कि मैं बिज़ी रखूँ खुद को, मतलब ये होता है, मुझे व्लॉगिंग करना वैसे भी पसंद है, ठीक है, और इस तरह करके काफ़ी मेरा टाइम अच्छा गुजर जाता है वीडियोज़ बनाना, पर उसके बाद एडिटिंग करना, अपलोड करना, काफ़ी ना मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बहुत अच्छी जॉब कोई चल रही है, होम मेड जॉब चल रही है। तो ये है कि मैं इसलिए खुद को बहुत ज़्यादा बिज़ी रखती हूँ, मतलब अपने में ही कोई ना कोई काम में ढूंढ लेती हूँ, बजाय इसके कि जो फ्री टाइम है आप किसी की पीठ पीछे गीबत करो, किसी की किसी के लिए बुरा सोचो, ठीक है, किस बैठ के, बस यही होता है ना, स्पेशली आजकल के दौर में तो यही होता है कि जहाँ पे भी दो लोग हों वो बस दूसरों की बुराई करते रहते, गीबत ही करते रहते हैं, ठीक है, और हमेशा दूसरों की उनको पड़ी रहती है। और जी यहाँ पे मेरा ब्रेकफास्ट बन गया था और मैंने बना लिया था, एंड अब मैं बैठ के अपना ब्रेकफास्ट कर रही हूँ यहाँ पे, और बस आज दिल कर रहा था कि आप के साथ, आप सबके साथ, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जितनी भी मेरी फैमिली अभी तक बनी है, आपके साथ कुछ बातें शेयर कर लूँ, और होता है समटाइम इंसान का दिल करता रहता है, तो बस यहाँ पर मैं आज काफ़ी अपना ब्रेकफास्ट भी साथ में इंजॉय कर रही हूँ। वही मसाइल है कि मतलब इंसान अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों में ही खुशियाँ ढूंढता है, बड़ी चीज़ तो किसी को भी नहीं मिलती है, कोई कहेगा कोई बड़ी चीज़ मिल गई है तो भाई हमें अब खुश होना चाहिए, लाइफ का नाम ही यही है कि छोटी छोटी खुशियों में, छोटी छोटी सारी चीज़ों में ही बंदे को खुशियाँ ढूंढनी चाहिए इंसान को, तो सो मैं भी ऐसे ही करती हूँ। मेरी लाइफ में अभी यही खुशी है, अभी के फिलहाल मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ अपना, और मैं बहुत ज़्यादा काफ़ी इंजॉय कर रही हूँ, ये मेरी लाइफ में अभी बहुत बड़ी खुशी है। एंड फाइनली मैंने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया था एंड फिर मैं आ गई थी, मैंने सोचा यहाँ पे जो बर्तन है ये भी मैं साथ ही वाश कर लेती हूँ, क्योंकि इस तरह फिर काफ़ी ज़्यादा ना मुझे इरिटेशन होती है कि एक दो बर्तन भी किचन में पड़े रहे, बहुत अजीब सा मुझे लगता है, तो फिर यहाँ पे मैं जल्दी से बर्तन वाश कर लूँगी। और आज काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी, मौसम बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था और यहाँ पे भी आज काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी, तो गो के यहाँ पे आसपास सारा जंगल है लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा आज गर्मी यहाँ पे भी पड़ रही थी। अभी मैं किचन में बर्तन वाश कर रही थी, काफ़ी मुश्किल होता है बर्तन वाश करना, साथ में व्लॉगिंग करना, वीडियो शूट करना, मतलब काम करना, साथ में वीडियो शूट करना, ये बहुत टफ होता है। हम लोग सोचते हैं, देखने में व्यूवर्स भी सोचते हैं कि बहुत ईजी होता है व्लॉगिंग करना, जब मैं देखती थी व्लॉगिंग के वीडियोस में सोचती थी यार बहुत इजी होता है, बस ये वीडियो बना लो, काम करो, वीडियो बना लो, अपलोड कर लो, लेकिन ऐसा नहीं होता। साथ में व्लॉगिंग करना, मैं तो बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से व्लॉगिंग करती हूँ, कुछ भी ज़्यादा नहीं करती, बस जस्ट फ़ोन रख लेती हूँ और उसके बाद जो भी काम कर रही होती हूँ वीडियो बना लेती हूँ, शूट कर लेती हूँ, बस ये मुझे खुद को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन गर्मी में काफ़ी टफ हो जाते हैं ना, किचन के काम भी हों साथ में वीडियो भी आपने शूट करनी है, तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लगता है अभी मुझे फ़िलहाल, तो मैं भी बाद में जारी बात आदत हो जाएगी। तो बस यहाँ पे जी जल्दी से मैंने मेरे बर्तन भी बस ऑलमोस्ट वॉश हो चुके हैं
और उसके बाद जी मैंने बस किचन की थोड़ी सफाई वगैरह करनी है जो मैं कर लेती रहती हूँ, साथ में ही कर लेती हूँ क्योंकि फिर मुझे बहुत अजीब लगता है ज़रा सा भी कुछ बनाऊँ तो फिर जारी बात है जो थोड़ा बहुत भी गंद हो जाता है, तो मैं मेक श्योर करती हूँ ना कि उसको मैं साथ ही क्लीन कर लूँ। तो ये है जी, बस मैं इसी तरह ख़ुद को बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में ख़ुद को बहुत ज़्यादा ना बिज़ी रखती हूँ। तो ये मैंने ओवन की ट्रे निकाल दी थी और यहाँ पे मैंने अब इसको वॉश करना था। अच्छा, इसका ये होता है ना कि जो भी चीज़ बनाओ तो फिर यहाँ पे गिर जाती है, कुछ हो जाता है एंड अगर इसको टाइम पे मतलब क्लीन ना किया जाए तो फिर ये स्मेल छोड़ने लगती है। सो डैट्स वाई मैं अब इसको भी यहाँ पे प्रॉपर तरीके से वॉश कर रही हूँ। और उसके बाद जी बस यहाँ पे मैं स्टोव को क्लीन कर रही हूँ अच्छे से और आप देख सकते हैं एंड यहाँ पे जो शेल्फ वगैरह इनको भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी। पहले मैं फोम से क्लीन करती हूँ, उसके बाद मैं वेट कपड़ा लगाती हूँ, फिर इससे बहुत अच्छी चमक आ जाती है ना, बहुत अच्छी शाइनिंग आ जाती है। तो यहाँ पे मेरे जल्दी से मैं अपना ये काम भी वाइंड अप कर लूँगी, जल्दी जल्दी से अपनी क्लीनिंग करूँगी। एंड किचन के काम से फ्री होके मैं आ गई थी रूम में एंड आज मैंने सोचा है कि ये जो रैक्स हैं, ये वाला जो स्पेशली रैक है इसकी मैंने थोड़ी सी क्लीनिंग करनी है। ये मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे देख लें कितनी ज़्यादा गंद हो गई। अच्छा, ये 1 वीक में हो गई है, ठीक है। यहाँ पे कुछ मूसा जी कल कुछ डाल रहे थे, मेरी बैंगल्स थी वो तोड़ तोड़ के इसके नीचे डाल रहे थे। जिस टाइम मूसा ज़िद करती हूँ उस टाइम पर मूसा ऐसी हरकतें करते रहते हैं, तो यहाँ पर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा गंद की हुई थी, देख लें पेंसिल की शॉप की हुई, पेंसिल के वो और उसके बाद बैंगल्स वगैरह टूटी हुई। मैं इनको सबको अच्छी तरह से यहाँ पे क्लीन कर लूँगी और उसके बाद जो ये कुछ जो फाइल्स हैं इनको भी मैं एक प्रॉपर तरीके से रखूँगी। ये कुछ मूसा और हानिया के हॉस्पिटल्स की फ़ाइल्स हैं और उसके बाद इनके स्कूल की फ़ाइल्स हैं, इनको भी ना इनके डॉक्यूमेंट्स हैं, इनको मैं एक प्रॉपर तरीके से यहाँ पर रखूँगी।
और उसके बाद आ गई हूँ मैं जी गार्डन में। काफ़ी मुझे ना मतलब मैंने कहा कि थोड़ा सा बाहर निकलूँ, चहलकदमी करूँ काफ़ी। मैं तो जब तक दिन में 3 times गार्डन में ना हूँ तो मुझे तो मेरा तो दिन ही नहीं गुजरता। एंड यहाँ पे हमारे बहुत अच्छे गुआवा लगे हुए हैं, अमरूद लगे हुए हैं, तो मैं यहाँ से डेली उतार के अमरूद खाती हूँ। 2-3 तो मैं मस्त खा लेती हूँ। और उसके बाद अब मैं यहाँ से कोशिश कर रही हूँ कि कोई ना कोई अमरूद मेरे हाथों लग जाए, एंड फाइनली लग चुका। और अब मैं यहीं पर खड़े खड़े इसको खा लूँगी। और उसके बाद जी मैं आ गई थी गार्डन से। गार्डन पे मैंने थोड़ी वॉक भी की, चहलकदमी भी की। उसके बाद मैं अंदर आ गई थी एंड लाउंज में। और मैं यहाँ पे कर्टन्स को साइड पे कर देती हूँ क्योंकि ना मॉर्निंग टाइम सन आ रहा होता है अंदर, इसलिए मैं कर्टन्स को आगे कर देती हूँ। एंड उसके बाद दिन के टाइम पर मैं कर्टन्स को पीछे कर देती हूँ और काफ़ी एक अच्छी लुक आती है। तो यहाँ पे जी मेरा गला भी ख़राब हो रहा था, आई थिंक सो मुझे ऐसा फील हो रहा था ना कि मुझे भी फीवर हो रहा है। जी मैंने यहाँ पे कर्टन्स को भी साइड पे कर दिया प्रॉपर तरीके से। और अब उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि बच्चों के लिए कुछ बना लूँ, या तो मैक्रोनीस बना लूँ या स्पेगेटी बना लूँ। अभी मैं कुछ सोच रही हूँ कि मैं अब क्या बनाऊँ क्योंकि बच्चों के भी आने का टाइम ऑलमोस्ट हो चुका था, स्पेशली मूसा के। तो यहाँ पे मैं अब किचन में आ गई हूँ और अभी मैं ओनियन वगैरह यहाँ पे कट करने वाली हूँ। उसके बाद मैंने ये फाइनली सोचा कि मैं मैक्रोनीस बना लेती हूँ। मूसा को भी मैक्रोनीस पसंद है, हानिया भी बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं मैक्रोनीस। तो यहाँ पे जी पहले मैं ओनियन को कट करूँगी, फिर मैं गार्लिक भी कट कर लूँगी साथ में। तो ऐसा होता है ना कि अगर कटिंग वगैरह की हो, गार्लिक वगैरह सब कुछ प्रिपेयर की हो, तो फिर कुकिंग वगैरह काफ़ी ईजी हो जाती है। तो बस जी यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी से अभी प्रिपरेशन कर रही हूँ।
और फाइनली जी बच्चे भी स्कूल से आ चुके थे, मैक्रोनीज़ मैंने बना ली थी, और उसके बाद जी बस अब बच्चों को यहाँ पे शावर दिलवाती हूँ, उनको फ्रेश अप करती हूँ, एंड अपना व्लॉग भी आज का यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, एंड अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लेना, एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, एंड कमेंट्स ज़रूर करना। इससे मुझे हौसला मिलता है एंड मुझे मोटिवेशन होती है कि आप लोगों को कहे मेरी वीडियोज़ कैसी लगती हैं, मेरी व्लॉगिंग कैसी लगती है, मुझे ज़रूर बताना। अपना बहुत सा ख्याल रखना, नेक्स्ट व्लॉग में मिले होंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।